सभी जानते हैं 31 तारीख के दिन सांचौर में एक जन सैलाब उमड़ा था और उस जन सैलाब ने यह निर्णय लिया कि जीवाराम जी आप चुनाव नहीं लड़ रहे, ये 36 कौम की जनता चुनाव लड़ेगी और सांचौर की जनता का भविष्य तय करेगी। जीवाराम जी का कोई चुनाव लड़ने का मानस नहीं था। हम सभी 36 कौम की जनता ने सोचा कि सांचौर का भविष्य में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सांचौर में अमन चैन और शांति का वातावरण पैदा कर सकता है। सबने मंथन करने के बाद जीवाराम जी से अनुरोध किया कि जीवाराम जी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा और हम 36 कौम के बंधु एक एक व्यक्ति जीवाराम जी बनकर सांचौर की विधानसभा में पहुंचेंगे और पूरे विधानसभा में गांव गांव और ढाणी ढाणी जाकर उनसे विनम्र अनुरोध करेंगे कि आने वाली हमारी पीढ़ी हमें कभी कोसे नहीं, इसलिए आपको हम भारी वोटों से जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। ये निर्णय लेके आपके बीच में हम सभी आए हैं। हमारे साथ 36 कौम के बंधु हैं। मैं पहले ही विनम्र अनुरोध करूंगा श्रीमान राजेंद्र सिंह जी परावा से कि आप पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी परावा। मैं कृष्ण सिंह जी राव सातों से भी निवेदन करूंगा मंच पर पधारें और श्रीमान पूर्णिमा राम जी माड़ी भादरोना से निवेदन करूंगा भी मंच पर पधारें। जबर सिंह जी राव उनसे भी निवेदन कि वह मंच पर पधारें। भारत माता की, भारत माता की आवाज दो, आवाज दो। स्वाभिमान, स्वाभिमान। आप सब पधारे हुए व्यापारी बंधुओं को दीपावली का खूब खूब राम राम। मंच पर विराजमान 36 कौम के वरिष्ठ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और चौधरी समाज के पूर्व अध्यक्ष मोतीराम जी, प्रधान प्रतिनिधि राव सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, दुर्गा जी, सभी सम्मानित मंच, आप सबको पिछले एक महीने से ये पूरा सांचौर का घटनाक्रम सभी को सर्वविदित है। पिछले 5 साल से 5.5 साल से भाई दानाराम जी घर घर डाणी डाणी डगर डगर मगर मगर घूम के पार्टी परिवार को इतना बड़ा किया, इतना उनको स्नेह मिला और पूर्व विधायक जीवाराम जी भी 35 साल से सांसद विधानसभा में संघर्षरत है। पिछले 15 साल से अपने माननीय लोकप्रिय विकास पुरुष सांसद महोदय को भी अपन देख रहे हैं। 2013 से माननीय मंत्री जी सुखराम भी सांसद मैं विधायक के रूप में अपन देख रहे हैं। अब पिछले 5 साल से स्थिति सांचौर विधानसभा की जो बनी हुई है, 36 कौम को पता है, विश्व समाज खुद कितना पीड़ित है, उनके समाज में भी दूसरों को बोलने के लिए तो जातिवादी लोग है, ये लोग इनके समाज में भी गोत्रवाद कर दिया। जातिवाद तो सब करते ही है मगर जाति में भी हाउवाद वहवाद दूसरे लोगों को टारगेट करते हैं। इनके समकक्ष कोई खड़ा नहीं हो, उसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। आपके इस महानगर में पिछले 2-4 दिन पहले ही माननीय मंत्री जी ने सभा की होगी, हमने भी लाइव उनका भाषण सुना था।
वो बता रहे थे कि हूं सपने काल में सॉरी पसीजे काल में भीनमाल पढ़ने जाता कॉलेज में। हालांकि मेरा तो जन्म भी 1987 का है, इतनी जानकारी नहीं है। अभी पूछ के रावत सिंह ने पूछा 1952 से अभी तक सांचौर में ओपड़ा तो लगभग एक या दो या तीन बार एमएलए चुने आए। पिछले 70 सालों में ज्यादातर अधिकतर इनकी समाज का शासन रहा, सॉरी इनके पार्टी का शासन रहा और इनके समाज से 8 बार विधायक रहे। फिर आपने कॉलेज क्यों नहीं करवाए, ये सांसद की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। इसमें दोषी भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है?
धन्यवाद। हमारे बीच में राम लखन की जोड़ी और हमारे दोनों नेता हमारे बीच में है। जोरदार तालियों से करतो दलित से उनका स्वागत और अभिनंदन। ये कर्णावती महानगर आज फूले नहीं समा रहा है। हमारे दोनों नेता हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत है, हम अभिनंदन करें। पधारे हुए 36 कौम के बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। दोनों नेता आपका अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार भारत माता की, भारत माता की। हमारे नेता कैसा हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बंधुओं से विनम्र अनुरोध है, एक बार अपने स्थान पर बिराज और जो भी महंगे मेहमान पधारे हैं हमारे बीच में, हम उनका स्वागत सत्कार करेंगे। मैं राजेंद्र सिंह जी से कहूंगा कि अपनी हाथ को सुरक्षित में थोड़ी कारण श्रीमान राजेंद्र साइड में खड़े सभी कार्यकर्ता बंधु सामने बैठ जाए, व्यवस्था का ध्यान रखे। जीव दया अध्यक्ष से मेरा निवेदन कि मंच पर बता रहे श्रीमान पूर्णमा राम जी माली भादड़ा, आपसे भी मेरा निवेदन मंच पर बता रहे। हेलो गुलाबगिरी जी मंच पर बता रहे, खूब खूब स्वागत। आप सभी बिराजे अपना स्थान ग्रहण करें। आप इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा प्रेम जोश स्नेह इन दोनों नेताओं के लिए निखार रहे हैं। खूब खूब हम 36 कौम के आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं बता रहा था गुजरात के बारे में जो मंत्री ने आपके सामने जो बातें बताई थी, धरातल पे रोडे पड़े, कॉलेज बने, कुछ भी अपने को दिख रहा नहीं है। और जो रोडे पड़ी हैं इनके और पीडब्ल्यूडी अधिकारी ठेकेदार और राजनेताओं की मिलीभगत से 2-4 महीने में टूटने के कगार पर है। और बात करते हैं विकास को सुने, जिलों बढ़ा दिया उन्हें तो मुख्यमंत्री जी कहे कि जिला मैंने बिना मांगे बढ़ा दिया। इधर मंत्री जी श्रेय ले रहे हैं कि मैंने जिला बढ़ा दिया। अरे आपने जिला तो बढ़ाया मगर इसके साथ साथ कितना बजट आवंटन करवाया, कितने भवनों के लिए स्वीकृतियां करवाई, खाली कागजाओं में एक घोषणा से कुछ जिला धरातल पे। अब जिले के भवन, सभी कॉलेज है, जो जो इन्होंने रेवड़ियां बांटी है उन सबको धरातल पे लागू करने के लिए अपने भाजपा की सॉरी सांसद से पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी को जिताना बहुत आवश्यक है। और जिले की स्थापना के दिन ही इतने दुखद घटना हुई, आप सबसे किसी से छिपी हुई नहीं है। ये तो आम बाजार के अंदर हुई, दिन दहाड़े हुई, सीसीटीवी के सामने हुई, मगर इसके अलावा 5 साल में 36 कौम के कितने ही लोगों ने, कितनी ही महिलाओं ने अपनी जान गंवाई है। वो इनका राज था, इन्वेस्टिगेशन इनकी ही पुलिस करनी थी। किसी को सुसाइड में बता दिया, किसी को नहर में बता दिया, किसी को कैसे बता दिया। कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब अपने सामने उम्मीदवार प्रत्याशी 4 है, 4 में माननीय विकास गुरु लोकप्रिय देवजी भाई की जमानत जब्त होने के कगार पे है। और अपने को कुल मिलाकर वोट एक तरफ ही डालना है, अपना वोट खराब नहीं करें। उधर कोई जीत दिख रही नहीं है। अभी मायानगरी मुंबई में उनकी मीटिंग चल रही थी, आप सबने फोटो वगैरह वीडियो वगैरह देखे, कितना
कितना चंचला घूमड़ रहा है, कितने लोकप्रिय है। इसीलिए अपना एक भी मत खराब मत करें और साथियों की सुरक्षा के लिए, नहरों में पानी के लिए, लाइटों के लिए, रोडों के लिए और इस जिले के जो भवन बिल्डिंग है विभाग सब सारे कामों के लिए फौवादी आदर सभी रोगों की दवा एक ही है वोट। और वोट अपन एक जगह सही जगह इसका इस्तेमाल करें और ये तीनों प्रत्याशियों को 80-90 हजार के अंदर समेट लें और 1.25 लाख से ऊपर उनके नामांकन दिन एक जोशी जी ने घोषणा भी की है कि 1.25 लाख से ऊपर अपने को मत मिलेंगे और भारी मतों से जीत रहे हैं। 50 पंचायतें ऐसी है जिसमें भाजपा को एजेंट बिछाने के लिए, दरी बिछाने के लिए कोई सिंगल व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप प्रवासी बंधु तन मन से जुट जाए और सेवा प्रदान करें विकास के लिए, सुरक्षा के लिए और मारवाड़ की धरा पर पधार कर आप सब सहयोग करें। हम सब छत्तीस बंधु के बिरादरी आपको रिक्वेस्ट निवेदन विनंती करने आए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर समर्थन करावें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, राजेंद्र सिंह जी ने सारी बात बता दी। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान दशरथ सिंह जी राव बगसड़ी, सामाराम जी बोरली और श्रीमान अमृत सिंह जी बगसड़ी धनवंत मेटल, आपसे निवेदन आप मंच पर पधारे। मैं इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान हरी सिंह जी राव पूर्व पंचायत समिति सदस्य सांचौर, आपसे मेरा निवेदन समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी संक्षिप्त में अपनी बात रखें। श्रीमान हरि सिंह बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर विराजमान आदरणीय पूर्व विधायक एवं भावी विधायक श्रीमान जीवाराम जी चौधरी एम दिल पे यहाँ पर दाना राम जी भाजपा युवा नेता और मंच पर विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मात्र शक्ति एवं सोशल मीडिया के मीडिया बंधुओं, सर्वप्रथम मैं भगवती के चरणों में नमन करते हुए, जैसा कि आप सबको इस घटनाक्रम में सब पता है कि क्या घटनाक्रम हुआ है क्या नहीं हुआ है। बात यह है कि हमारे पूर्व विधायक जीवाराम जी चौधरी निर्दलीय इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज के लिए लड़ रहे हैं, बाकी इनको इलेक्शन लड़ने के मना कर रहे थे। उसके बावजूद भी हमने छत्तीसगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया तो ये निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं। आप सबको सहयोग करना है और इनको जिताना है भारी मतों से। अगर आप 25 तारीख को अपना में पधारना है और पूरी तन मन धन के साथ इनका सहयोग करना है। और मैं आपको एक और निवेदन कर रहा हूं कि हमारे जीवाराम जी चौधरी आज करीबन 35 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अब की बार अगर नहीं जीतते हैं तो ये हम 36 खून की तोहिन होगी। इसलिए आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि इनको भारी से भारी मतों से जिताना है और राम राज्य लाना है। दूसरी बात यह है कि हमारे समाज के श्रवण सिंह राव जो जिला अध्यक्ष बने हैं, सिर्फ इनकी मेहरबानी से बने हैं। वनय सिंह जी जिला प्रमुख बने थे, इनकी मेहरबानी से बने थे। हनुमान भाजू प्रधान बने थे, इनकी मेहरबानी से बने थे। और प्रधान प्रतिनिधि ये हरसन जी, प्रत्यक्ष को प्रणाम की जरूरत नहीं है, ये बैठे, ये सामने बैठे, ये प्रधान इन्होंने बनाया। मैं आपको ये वादा करता हूं कि जब भी ये जीवाराम जी विधायक बनेंगे और आप जो भी अपने कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं स्थान देंगे। मैं आपको ये भी और भी कह रहा हूं कि अगर सांचौर में शांति लानी है तो सिर्फ जीवाराम जी लाएंगे, बाकी मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल है। मैं आपको ये कहूंगा कि मौत से डरने वाले हम लोग नहीं है। कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मृत्यु का संहार नहीं है। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीना सबसे बड़ी कला है। लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मौत से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। अब की जंग सीढ़ी है,
सुन लो सब पार्टी वाले, अब की जंग छिड़ी है, सुन लो सब पार्टी वाले, जीवा राम जी तो होंगे लेकिन कांग्रेस वाले नहीं होंगे। मुश्किलें इरादे आजमाती हैं, सपने के पर्दे निगाहों से हटाती है, हार के मत गिरे मुसाफिर, प्रोग्रेस और इंसान को चलना सिखाती है। मैं आपको ये भी वादा करता हूं कि अपने 322 बूथ हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको तन मन धन से इस काम में अब लग जाना है, क्योंकि अपने पास समय कम है, समय कम है, इसलिए आपको हम हर कार्यकर्ता नहीं पहुंच सकते, इसलिए आपको किसी भी सूरत में इनको जिताना है भारी मतों से। और मेरे ये राव समाज के बंधु यहाँ विराजमान है, इनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी इस काम में लग जाओ, ये हमारी हमारी इज्जत का सवाल है, आपको ये इज्जत आपको रखनी है, मैं इसीलिए इनके साथ में आया हूँ, और आपको इज्जत रखनी है, किसी भी हालत में आपका छोटा मोटा काम होगा ये कभी मना नहीं करेंगे। उसके बावजूद अगर जीवाराम जी कहीं हो तो हमारे युवा नेता दानाराम जी तैयार हो गए हैं, और ये आपको मैं वादा करता हूँ, कोई भी काम आप लेके दानाराम जी के पास जाना, आपका 100% काम होगा। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हरि सिंह जी, आपने सुंदर बात बताई। वास्तव में परमात्मा का कोई न कोई नियोजन होगा कि सांचौर का इस तरह की व्यवस्था तैयार हुई। वास्तव में परमात्मा ने कोई न कोई ऐसी परिकल्पना तैयार की होगी, जब जाके हमें 36 कौम के बंधुओं को इस परिस्थिति में लाके खड़ा किया है। जीवाराम जी 6 तारीख के दिन परम पूज्य संतों के आशीर्वाद लेकर गोधाम पथमेड़ा से गो माता का पूजन करने के बाद गो माता का आशीर्वाद लेकर आप सभी 36 कौम का आशीर्वाद लेकर फॉर्म भरकर सीधे ही प्रवासियों से आशीर्वाद लेने आज शुरुआत हुई थी। दिशा से आप जैसे आशीर्वाद देने पधारे हैं, वास्तव में दिशा के युवा फिर पालनपुर, सिद्धपुर, मेहसाणा, छत्राल होते हुए आज कर्णावती महानगर में आप 36 कौम के बंधुओं का आशीर्वाद लेने हम सभी पधारे हैं। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान कृष्ण जी देवासी से कि वे पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। भक्तों से मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि समय की ध्यान में रखते हुए सम्मानित मंच कहें और अपनी बात कम समय में पूरी करें। श्रीमान कृष्ण जी देवासी। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय जीवाराम जी चौधरी साहब, पूर्व विधायक व हमारे भावी विधायक और सम्मानित मंच, सामने विराजमान मेरे सांचौर की जन्मभूमि के और अहमदाबाद की कर्म भूमि के ये प्रवासी भाई बंधुओं, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, राम राम। इस ओर विराजमान मेरी मातृशक्ति और मीडिया बंधुओं, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। आज से 7-8 महीने पहले लगभग हम दानाराम जी की टीम के साथ यहाँ एक और स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम रखा था अहमदाबाद में, और उस स्नेह मिलन कार्यक्रम में मैं भी इनके साथ में आया था, और मैंने आप सभी अहमदाबाद के प्रवासी भाई बंधुओं को खूब खूब धन्यवाद और आभार दिया था कि आपने हमारे लिए एक अनमोल हीरा भेजा है सांचौर में, जो हमारा ध्यान रखेगा। ये बात मैंने आज से 7-8 महीने पहले आपको कही थी। इस जो अनमोल हीरा है, इसने पिछले 6 साल में सांचौर के अंदर दिन रात मेहनत की, और इनके बड़े भाई राम, आदरणीय जीवाराम जी ने सांचौर के अंदर पिछले 35 साल में लोगों की सेवा की, हर सुख दुख में हमारे साथ रहे, मगर संयोग एक ऐसा हुआ कि इन दोनों को दरकिनार कर हाई कमान को क्या नशा चढ़ा कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे डाली। जब 9 तारीख को टिकट की घोषणा हुई, सांचौर तहसील के 36 कौम के लोगों में मायूसी सी छा गई, सांचौर बाजार में सन्नाटा फैल गया, और हम सब कार्यकर्ताओं के मन में भी बहुत बड़ी पीड़ा आ गई कि टिकट गलत दे दिया और ये सीट अब बुरी तरह हम हारेंगे।
आखिर करें तो क्या करें। हालात हमारे बस में नहीं थे, हम भी वहां गए दुख प्रकट करने, और इसके बाद ये दोनों नेता जी साथ में मिलकर जयपुर गए। उनसे पूछा कि हमने मेहनत की और लोगों की भावना भी हमारे साथ थी, हमने पहले भी आपको अवगत कराया था कि हम दोनों में से किसी को भी दोगे हम तैयार है और एक दूसरे का तन मन धन से सहयोग करेंगे, मगर उन्होंने भी वहां एक नहीं सुनी। जब हमें खबर मिली 4-5 दिन बाद कि हमारे दोनों आदरणीय नेता राम और लक्ष्मण सांचौर की धन्य धरा पर पधार रहे हैं, तो सांचौर की 36 कौम की जनता ने नैनावा से लगाकर सांचौर तक, भाइयों नैनावा से लगाकर सांचौर तक सांचौर की 36 कौम की जनता 20,000 लोग पैदल चले और पैदल चलकर इनके लिए पलक पावड़े बिछाए, और लोगों का वो प्यार और हुजूम देखकर, हम कार्यकर्ताओं की भावना देखकर इनके भी मन में हुआ कि वास्तव में हमारे सांचौर के साथ ये तो अन्याय हो रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी इन दोनों भाइयों ने धैर्य रखा और इन्होंने विश्वास दिलाया कि आने वाली 30 तारीख तक अगर आला कमान टिकट नहीं बदलता है तो आप जो 36 कौम की जनता है, आप जो फैसला लोगी, हम आपके पीछे रहेंगे, आप आगे बढ़ना। 31 तारीख को महापंचायत के अंदर 35,000 से 40,000 की संख्या के अंदर लोग पहुंचे और उन 36 कौम के लोगों की भावना हुई कि आपको चुनाव लड़ना है। पिछले 25 दिन से एमपी साहब टिकट लेकर आए हैं, मगर 10% कार्यकर्ता भी उनके कार्यालय में नहीं है, लोग उनको मिलते नहीं है, वो कहीं गांव में जाते हैं तो उनके सामने नहीं देखते। अब लोगों को पिछले 15 साल के एमपी साहब के कार्यकाल में वो सांचौर में कभी आया नहीं, लोगों से कभी मिले नहीं, लोगों का कोई काम किया नहीं, किसी गांव के अंदर सभा भवन बोला तो वो भी पूरा वादा पूरा किया नहीं, कहीं 5 लाख की घोषणा की, आज दिन तक एमपी साहब ने सांचौर विधानसभा के अंदर कहीं पर भी गए कोई घोषणा की तो वो वादा कभी नहीं निभाया। और एक बड़ी बात, होती गांव गांव गोद लिया, और आज हालात आप सभी प्रवासी भाई बंधु होती गांव जाते हो और वो अपने आस्था का केंद्र है, वहां जाकर आप देख लो गांव आस्था का केंद्र गांव होती गांव गोद लिया और उसकी हालत क्या है। होती गांव के लोग दुखी है कि एमपी साहब ने तो हमें इतना बदनाम कर दिया कि एमपी साहब ने होती गांव गोद लिया और यहाँ एक ईंट भी नहीं रखी। मेरा आप सभी प्रवासी भाई बंधुओं से विशेष निवेदन है कि हम आए हैं आपसे मदद मांगने, आपके वोट ही ये राज बदल सकते हैं, ये व्यवस्था बदल सकते हैं, और आपके वोटों की ताकत से आदरणीय जीवाराम जी को आने वाली 25 तारीख को भारी बहुत मतों से जिताकर विधानसभा में भेजना है। ये विधानसभा में जाएंगे और सांचौर में जीवाराम जी जीतेंगे, तभी सुख शांति अमन चैन और प्रेम और भाईचारा बना रहेगा, नहीं तो परिस्थिति देख लो पिछले 5 सालों में सांचौर की स्थिति क्या है। गाँव से लोग सांचौर बाजार में आते हैं, पीछे से परिवार टेंशन में रहता है कि भाई तू कितनी देर में घर पे आ रहा है। जब वो लड़का या बच्चा या बच्ची अपनी बहन बेटी कोई घर पर सुरक्षित नहीं पहुंचती है, तब तक उनके माँ बाप और परिवार को भी मन में वहम रहता है कि कहीं कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, किसी घटना का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन आप सबको भी पता है कि वर्तमान हालात सांचौर के क्या है। मेरा आप सभी भाइयों से विशेष निवेदन है, आप 10 दिन सांचौर के आने वाले भविष्य के लिए मैं आप दे दीजिए। आपको आने वाले 5 साल में ये राम लक्ष्मण की जोड़ी कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आने देगी, ये हम सभी कार्यकर्ता विश्वास दिलाते हैं और वादा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान कृष्ण जी देवासी, बहुत सुंदर बात बताई मित्रों कि प्रवासियों के कंधों पर भार देने आए हैं, और आपने हर चुनाव में लोकसभा का चुनाव हो, पंचायती राज का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन मेरे अहमदाबाद के प्रवासी जिस तरफ अपनी भुजाएं खोल देते हैं और जीत अपने आप लौट आती है। मैं इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान कुंभा राम जी माड़ी, जो माड़ी समाज के अध्यक्ष और डूठुआ के पूर्व सरपंच है, पधारे और अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमान रामा सोमा करो, धन्यवाद।
कई समाजों के अध्यक्ष हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार रामा सामा कर लो, सभी ने राम राम भाई साहब। और आपसे निवेदन है कि आने वाली 25 तारीख को जीवा राम जी बन करके आप जीवा राम जी को जीताए भाई मता से, और सात वर्ष में सुख शांति रहे, राम राज्य रहे, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। कुंभाराम जी ने कम शब्दों में सार गर्भित बात कर दी कि अहमदाबाद का प्रवासी एक एक युवा गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर 25 तारीख के दिन जीवाराम जी के पक्ष में मतदान करवाकर भारी मतों से विजय बनाने का लक्ष्य लेकर हमें आगे बढ़ना है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा सांचौर व्यापार संघ के अध्यक्ष श्रीमान हरीश जी पुरोहित सिलू से कि वे पधारे और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। श्रीमान हरीश जी पुरोहित सिलू और श्रीमान ईश्वर जी सिद्धेश्वर से निवेदन की मंच पर पधारे। हमारे बीच में बड़े उद्योगपति श्रीमान नेमाराम जी पुरोहित आंबली और श्रीमान सतीश जी नारदीपुर दोनों पधारे। आपसे मेरा करबद्ध निवेदन कि आप मंच पर पधारे, आपका अहमदाबाद महानगर में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सनातन धर्म की आदरणीय हमारे बीच में आपके लोक लाडले कर्ण अर्जुन की जोड़ी भाई जीवाराम एंड दानाराम। माननीय सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए सांचौर तहसील के चितलवाड़ा तहसील के सांचौर विधानसभा के हमारे प्यारे मूंगे मेहमान मतदाताओं, साथियों, आपने सुना है, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा कि टिकट कैसे मिली, क्यों मिली, किस कारण से मिली, उस कैसा धोखा हुआ, उस समय मैं नहीं जाऊंगा, आपको सब पता है साथियों। हेलो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, हेलो, ये एमपी साहब ने टिकट तो ला दी, हेलो, लेकिन जनमत उसके साथ में नहीं है। एमपी साहब की गांव के अंदर गाड़ियां जाती है, लोग दूर दूर तक भाग जाते हैं, लोगों को ऐसा भय पैदा हो गया है कि हम तो देख लिया तो मीटिंग के अंदर बुला लेंगे। हेलो साथियों, मैं एमपी साहब के कार्यकाल के विकास के बारे में बात करूंगा। हेलो, आपने सुना होगा। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। सिटी लगा भेजो, मैं लाइव करी कर सिटी लगा भेजो कर बेटा, तो सिटी आगिन में लगिन भेजो, मैं लाइव करी रही हूँ, आगिन में लगिन भेजो कहने भी नाम। नेशनल हाईवे नंबर 8 निपे कर का बजट कहां गया, हर 6 महीने 3 महीने के अंदर नेशनल हाईवे टूट जाता है साथियों, गाड़ी चलाना मुश्किल होता है साथियों। में कहना चाहता हूं कि आपका वोट खराब मत करना, आपका वोट जीत में भागीदारी हो, सत्ता में सुशासन में भागीदारी हो, भ्रष्टाचार मुक्त में भागीदारी हो, कानून व्यवस्था में भागीदारी हो, उस समूह को मध्यनजर रखते हुए भाई जीवाराम जी के पक्ष में मतदान करना चाहती हो। हमेशा ही
द्वारा माहौल बनाया जाता है। विरोध का बंटोर और समर्थन का जो बवाजुड़ा कहो, पक्ष का जो माहौल हो, वो आपके प्रश्नों के द्वारा बनाया जाता है। साथियों लगातार देखते हैं जहां जहां आपने जिसका समर्थन किया है वो आपका व्यक्ति हमेशा नहीं आ पा गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों की बात माहौल है, लोग गर्म है, उनके ऊपर हथौड़ा मारने की आवश्यकता है। आज हर गली के अंदर जाओ, हर गांव के अंदर जाओ, हर दुकान के अंदर जाओ, आप जहां भी जाओगे लोग कहेंगे तो अगली बार तो हमारी जैनी पार्टी है भाई। कांग्रेस को छोड़ो, बात कांग्रेस जो षड्यंत्रकारी उनको भी छोड़ो, लेकिन हमारी पार्टी जैनी पार्टी है। अगली बार तो जैनी की नैया पार होगी। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं कि आप आने वाली 25 तारीख को भाई जीवाराम अंबेडकर के, भाई कान्हा अंबेडकर के हर गली में हर बूथ को, हर गांव के हर घर के अंदर अपने पुत्र माँ बापों को, पड़ोसियों को समझा करके, गाड़ियों में बिठा करके 25 तारीख को भारी मतदान करना है। उसमें सांचौर में के विकास के अंदर आपकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। साथियों मैं कहना चाहता हूं साथियों कि आज की भावना, आपका मनोबल और आज के जो जुनून और जोश आपके युवाओं का चेहरा कहता है कि साथियों सांचौर के अंदर ये जेडी पार्टी जीतेगी। भाई श्री जीवाराम जी विधायक बनेंगे, आपके हर सुख दुख के अंदर साथ बनेंगे और ये हमेशा जीवाराम जी दानाराम जी आपके बीच में रहेंगे, ये सब सारे कार्यकर्ता बीच में रहेंगे। जो भी काम हो इनको बढ़ाना, आपका काम हमेशा पूर्ण होगा। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ओजस्वी भाषा में श्रीमान हरीश जी ने अपना उद्बोधन किया। एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, हरीश जी ने सारगर्भित बात बताई कि आपको क्या चुनना है क्या नहीं चुनना। चावल होता है, हम सबके घर में चावल है, चावल का कलर सफेद होता है। जब वो चावल कुमकुम के साथ मिलता है तो तिलक पर लगता है, और मूंग में मिल जाता है तो खिचड़ी बन जाता है। इसलिए मेरे चावल बंधुओं किसके साथ मिलना है तय कर लेना, कुमकुम आपके सामने है और तिलक पर लगना है और आने वाली 25 तारीख को भारी मतों से विजय बनाना है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान मगनाराम जी प्रजापत, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं और वरिष्ठ हैं, उनको भी पीड़ा हुई कि मैं मेरे प्रवासियों को रामा सामा करके आऊं। श्रीमान मगनाराम जी बात से मैं निवेदन करूंगा। भारत माता की, गौ माता की, राजेश्वर भगवान की हो। मैं तो छोटा सीधा मैंने आपने बताऊं कि आपने बात तो सब बात ही बता भी दी है। एमपी साहब जी तो माता जी तो आपने आपने एक पीला सावर देव आपने अहमदाबाद पधारा हो, पीला सावर देव आपने विजय बढ़ावा जीवाराम चौधरी ने बीजू गांव पर यार को रस्ते नहीं है, आतंक हटाओ है तो सामने दिल्ली भेज दो, आता क्या कुछ भेज दो आप विजय बढ़ावा सामने लगा मत आई और तो मत घड़ो थे तो मंदिर टिकट मोड़ा दीजिए मार तो दो लाती मोड़ा दीजिए मार तो नहीं पड़ी भाई। पर उद बाद में आया तो बेड़ी भरवा बात मंदिर तो मन मरी गुंगा वाली गत बीजू तो आपने बताओ है दिवाली ना राम राम भगत जय हिंद जय भारत। कम शब्दों में आपका हृदय परिवर्तन करने की बात मगनाराम जी बा ने कही। छोटी सी बात बता देना चाहता हूं आपको,
कि प्रजापति बंधु पहले मिट्टी से घड़ा बनाते थे, आप सभी लोग जानते हैं, अलग अलग मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। एक प्रजापति बंधु, बढ़िया गर्मी की सीजन थी और उनके मन में आ गया कि मैं एक चिलम बना दूं, और वो चिलम बना रहे थे। चिलम बनाते बनाते उनकी धर्म पत्नी जी ने देखा कि पतिदेव क्या बना रहे हैं। वो उनके पास पहुंची और पूछा पतिदेव को क्या बना रहे हो। उन्होंने कहा मैं आज चिलम बना रहा हूं, मगना राम जी जैसे बुजुर्ग बा उसका पूरा कस लगाएंगे। उन्होंने कहा मेरी बात मानोगे, तो कि हाँ बोल तेरी बात मान लेता हूँ आज, तो कि एक काम करो चिलम नहीं सिराई बना दो, गर्मी की सीजन है जिसमें पानी भरने के लिए काम आएगी, तो चल तेरी बात मान लेता हूँ। मिट्टी डाल दी और उन्होंने दूसरा रूप देना शुरू कर दिया और सिराई बनानी शुरू गई कर दी। उसमें से मिट्टी में से आवाज आई कि भाई तेरा तो आकार बदल गया, लेकिन मिट्टी ने कहा मेरी तो जिंदगी बदल गई, अगर मैं चिलम बनती तो मेरे में अग्नि भरी जाती और मैं सिराई बनी हूं तो मेरे में पानी भरा जाएगा, मैं भी शीतल रहूंगी और तुझे भी शीतल करूंगी। ऐसी बात मंगना राम जी बा ने कहा ही है। उसका मेन अर्थ है सांचौर की जनता का भविष्य। साथियों आप सभी जानते हैं कि मेरा युवा कितना परेशान है। एक साल जब उसकी बोर्ड की और बड़ा बड़ा एग्जाम आते हैं, पूरा एक वर्ष वो मेहनत करता है कि मैं अच्छे अंकों से पास होके कहीं टीचर बन जाऊंगा, कहीं थानेदार बन जाऊंगा। उसके माता पिता पूरी मेहनत करके खून पसीना बहा के बच्चे को पढ़ाते हैं, और पास में जो लड़का बैठता है वो सिर्फ फिल्में देखा करता है, और वो लड़का अव्वल नंबर से पास हो जाता है, और कड़ी मेहनत करने वाला 18-18 घंटा पढ़ने वाला बच्चा फेल हो जाता है, क्योंकि वो पास बैठने वाला लड़का नकल करके और पेपर लीक करके पास हो गया, और अपना लड़का अच्छे नंबरों से पास होने वाला लड़का फेल हो जाता है। ये सांचौर की स्थिति है। मेरी माताएं बहनें दुखी है सांचौर की। बाजार के अंदर गली में देखती है कहीं 7 न बज जाए, 7 बजने के बाद मेरी मातृशक्ति को बाजार के अंदर चलने से डर लगता है। मेरा किसान दुखी है, मेरा व्यापारी दुखी है, वो पीड़ा लेके हम आपके बीच में आए हैं। इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान माधाराम जी पुरोहित से कि वे पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सम्मानित मंच एवं सभी मेरे मित्र अहमदाबाद के प्रवासी व्यापारीगण, मित्रों कहने जैसी बात तो सब सारे वक्ताओं ने बता दी है, लेकिन स्थितियां कुछ मुझे बतानी है। मैं पित्रोड़ा मंडल का अध्यक्ष हूं, अभी मैंने इस्तीफा दिया है। अभी वहां मेरे पास में 55 बूथ थे, 55 बूथों में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास में बूथ पे एजेंट बैठने के लिए तैयार कोई नहीं है। ये व्यवस्था है उनकी, आप समझ लो। अपन सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कुछ परिस्थितियों के कारण उन्होंने टिकट चेंज कर दी, टिकट चेंज कर दी। हमने उन्हें अवगत करवाने के लिए ये फैसला लिया कि हम लोग 5-6 आदमी मिलकर इस्तीफा देते हैं तो कुछ पार्टी पे दबाव बनता है। तो पार्टी ने आनंद भारत में न किसी से बात करके उन्होंने नए मंडल अध्यक्ष की घोषणा कर दी। अभी इस स्थिति धरातल पे ये है कि जो कार्यकर्ता बूथ लेवल का कार्यकर्ता है सब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कोई उनका एजेंट बैठने को राजी नहीं है। और 15 दिन बाद में वो फोन करते हैं कि अभी पार्टी के आदमी है और दिल्ली से टीम भेज दे, आपको मना के वापस लाना है, ये करना है, ये करना है। व्यवस्था ये है सब, आप मिलजुल के जीवाराम जी को वोट दे के तन मन से जिताना है। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माधाराम जी। मैं श्रीमान जोग सिंह जी अड़ेकर से कहूंगा कि आप खड़े होकर एक बार रामा सामा कर लें। श्रीमान जालम सिंह जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि खड़े होकर एक बार
आप रामा सामा कर दें। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे सरपंच साहब श्रीमान सुखराम जी जाट से कि वे पधारें और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन प्रदान करें। भीमगुड़ा सरपंच साहब श्रीमान सुखराम जी जाट। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, सामने बिराजुड़ा मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों, आप सबको मेरी तरफ से राम राम। साथियों, आज सबने मिलकर इसलिए आना पड़ता है, हमारे सांसद का बहुत हमें दर्द हुआ, इसलिए छत्तीस कौन का लोग अपना आपसे यहाँ मिलने के लिए आए हैं। काफी भक्तों ने बात बताई है, हम पिछले 10 साल से दुखी हैं, इसीलिए अब की बार हम सब ने ये उम्मीद रखी थी कि भाई दाना राम जी या जीवराम जी इसमें से कोई भी एक भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर सांसद रहेगा और अपन सांसद की सीट जीता के राजस्थान सरकार में भागीदारी करेंगे, रोज 10 साल का दुख है उसे दूर करेंगे। लेकिन कुछ आला कमान ने इसी परिस्थिति को वो पता नहीं क्या समझ लिया है, तो टिकट है हमारे शासन श्री देवजी भाई को दे दिया है। देवजी भाई 9 तारीख को खानपुर टिकट लेके पहुंचा तो कांग्रेस का कार्यकर्ते क्या रास्ते पे स्वागत के लिए गए, माला लेके। इसी स्थिति में भाई दानाराम जी और जीवाराम जी चार दिन परिस्थिति ऐसी आ गई, इसी परिस्थिति में चार दिन फोन सुसुक करना पड़ता, फिर चार दिन फोन सुसुक करके गुजरात में रुकना पड़ा, कहीं ऐसी स्थिति है तो उसको भी समझना भी पड़ता है। फिर दोनों एक हो गए, 13 तारीख को एक साथ सांसद आए थे तो नैनावा से मैं भी गया था, उस नगर साहब आ रहे हैं तो मिलने के लिए कम से कम तो जाते हैं, तो नैनावा से सांसद खोरे पे कम से कम 1500 गाड़ी थी, 2000 बाइक थी और 15 से 20 हजार लोगों को हमने भेज दिया था। फिर हम शाम को एक सभा की थी, उसमें साहब ने भी बताया, दानाराम जी ने भी बताया कि अब अपन सब ऐसी स्थिति में है कि सांसद की जरूरत के साथ नहीं बताने के लायक नहीं है, ऐसे अपन के साथ ये घटनाक्रम हो गया है। तो सभी भक्तों ने और कार्यकर्ता ने भाई बैठ के बोला कि अपन आगे कोई भी नहीं लेंगे, अब देवजी भाई ने वोट देने के लिए तो तैयार नहीं है, इसलिए अपन कोई कोई रास्ता निकालेंगे। फिर हमने आगे 13 तारीख से 30 तारीख में सामने छोटा सा मैसेज किया, अभी कार्यकर्ता को क्या रहा है क्या करना हो, तो 30 तारीख आए। फिर आगे महापंचायत की तैयारी की, जो भी कार्यकर्ता पहुंच गए, फिर 31 तारीख की महापंचायत हो गई और उसी महापंचायत में निर्णय लिया 36 कौन में मिल गए कि भाई हम जीवाराम जी का चुनाव लड़ने का तय किया और 36 कौन में मिलकर समर्थन देने की बात की कि जीवाराम जी आप सामने बताया कि मुझे चुनाव लड़ने की कोई शौक नहीं है, चुनाव को काफी लड़ लिया है लेकिन ऐसे चुनाव से कोई नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं के कहने से अब बात साफ चुनाव लड़े हैं और इसीलिए हम सब यहाँ इसलिए आए हैं कि थोड़ा थोड़ा हमारा कंधे का भार है वो आप प्रवासी भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ, पीड़ा सावण ले आया और मारवाड़ी के दिन इस सावणों को आप अच्छी तरह, दिवाली आ रही है आपको मुझे पता है सब लोग घर पे आओगे तो 10 दिन का आप लोगों को आप थोड़ा टाइम देंगे और हमारा काम भी सफल बनाए। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुखराम जी। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान रावत सिंह जी बूठवा से कि वे पधारे और अपनी मातृभाषा में बात रखे। श्रीमान रावत सिंह जी बूठवा, आप इन 36 कौम के बंधुओं का जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्रीमान रावत सिंह जी बूठवा। कौन आ गए जी?
परम आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक हेमाराम जी एवं हमारे युवा नेता भाई धनाराम जी से मेरी जिमा विनीत जी बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी भी कार्यक्रम तो पूरी परीक्षा ली है। बहुत बड़े पूछ गए थे भाजपा अपने भाई तो 2003 में दीवारों जी 46,000 फोटो खींच कर भाजपा का देश आजाद होने के बाद में पहली बार स्वर्गीय प्रताप सिंह जी कुंडल प्रधान बने, मोहनलाल जी नगर पालिका का चेयरमैन बनिया, आदरणीय मोटीराम जी कसी मंडी का चेयरमैन बनिया, जिला परिषद जी हाथ आठ नौ हाथ सीकर दिल्ली पुराने बाद में भी टिकट काटी पार्टी को वसवा की कर करो आठ में टिकट मिला मिल दी 13 में पास एक दीवार मिल दी 18 में दो नार मिल दी 20 में मिल दी भाई या भाजपा ने लारे कटे कटे दो कतवा दे रहा दुश्मनी दे बिल्कुल को के हम की सारी वाली हम की सारी वाली क्या हुआ बड़ा करो ऊलो हम का दे कटिंग करो का ऊलो हम का दे यारो मेरे 35 उम्र लोग चौधरी और धारों को देखो हो हल्की पूरी व्यवस्था रख दो कायम से हमारे एमपी साहब आवे मेरे साथ लोग भी लोग मरे भी लोग कम नहीं आवे अंतिम चुनाव है थोड़ा आज चुनाव है आठ बड़ा टिकट नहीं थी एक बड़ा जीते हो हमकी पूरी आ पौन घोड़ नहीं उतरी तो कम नहीं आवे पूरा दिन रात मेहनत करी ने हमकी भारतीय जनता पार्टी ओपे टिकट नहीं दी थी वाला होश नहीं कर ओपे भारतीय जनता पार्टी में लो जड़े जड़े उम्मीदवार है ने आप आज आ कुछ में जा नम में आया कोई तीन में आया कोई तेरह में आया मैं आज तक तीन पीटी ने मोट कांग्रेस से वोट नहीं दी दो यार वो मोने कोई भाजपा नीति नीति हिकारी नहीं के एमपी साहब खूब हो बलाग राखियो तीन बार लोकसभा का सदस्य बनाया यो काम जोग नहीं करू तो तू कारो नहीं देवा दी तू मने की तू तू के मोड़ी थोड़ा विश्वास को धेम करियो भाई साहब एमपी रा कार्यकाल में थोड़े तू कारो देवा दी तो नहीं पर दोन दिन है ओपे ले गया थे ले गया वो टाइम हम की तू बड़ा रे तू कर दो दिन रात मेहनत करी जरा सोकरा ने एक भी बड़ा को धमो परे दोन दिन में भी 6 साल रात अंदर एक करी उठे जाऊं उठे नहीं जाऊं तो नहीं किया यो ने लगातार दौड़ाया और लास्ट में परिणाम मारियो जरे आत्मा टूटे विश्वास की कर करो यार थोड़े हमारे व्यापारी हो व्यापार वालों नहीं करवा रहा बात तो एक जगह व्यवस्था कायम रख दो नहीं रहा लोग बैठा है धर्म सिंह जी भेजा 5 साल का कार्यकाल में हुक्रम दिए कोनी होनी आवा नहीं दी तू रतोड़ा रुद्री कार बात है अब ये राम मोहन सिंह जी कटे या उड़े डायरेक्टर था वे हुए रतोड़ा रुद्री कार हुक्रम जी रे उड़ी और नमड़े वार वंड काटिया पूरा नहीं रहा कोनी आवा दी तू नहीं अबे राव सारे कौन है की करे वो बड़ा कैंप भरे वार काने मोहन बन गया पूरा पोड़ी नहीं आई पूरा नहीं रहे मैं कटे कोई हावर तू करता है कोणी आई रूप गदियो घड़ी पड़ी छोकरा रो हक नो तरफ हो रहा था कौन कोणी का पे बोला रो सुग्रम जी ना कांग्रेस का पहला बात करता आ ठाकरा री पार्टी ना पुरोहित री पार्टी बोणिया री पार्टी ठाकर साहिब राजा साहिब बात करता सुग्रम जी ने ओपे केमो तो होगा कांग्रेस रा पुरोणो ने हेमो ने मारिया पुरा હું આવું દિન મેરો સોરો આવી દિન મેરો દુદડો સોરો સી આવશે ની આવે તો પુત્ર ઉદુ આવશે નકુજ કી ઉપરો આજો મે કાવ તો હે દી કોંગ્રેસ થી ભી દુખી હે ઓરે સોબા લેવારી જરૂરત હે ખાતો રે મો 1,10,000 આજ ને દિવારમ દિન દોધારમ દિન બોટ મળ્યા તા ઉવા મો 10,000 આગા પાછા થાડી તો ઢારી બીજો લાખ તો પે કે ઓર લાખ નો દેટોરી કોસા કજોબરી हुकराम भी आज की तारीख में पसारे वो दौड़े भरे 50,000 ऊपर बोल दिए हुए यो बियो ने मने पूछो तो उला सुना में भी हागी जी के पड़े आए मन को रे बोलता बात हिसाब पूछवारो हैं पूछे प्रो यार के व्यापारी हो थोड़े घरे कास्ता बिजारा कुला से
कहने उधर उसी नुदी दूसरे थोरो मनक मने है यार ऊपर से हैंगो ने खूब मेहनत करी ने और चौधरी हम क्यों कहते तो हमें काले वो घर घर अरे व्यापारी हमें उधर उसी नुदी तो लूज मत लोग दो और मेहनत करी आज ये दीवार हम दिले तन मन धन लो पाली पोता और जीता भी बोलो ये का जमकर रिपोर्ट में आदमी जा सको एक को रीज बोलियो रीज बोलियो बार मतलब बता रहा है आज भी मेरे को नहीं तो कौन बोलिया लगाना देखो ये तो एक आई तो एक ही बोल रहा है ये का हमने क्या मुझको करने ने तो क्या भारत को लेवा तो नहीं रहा ये तीसरा वाला वो खूब इरा करे हमारे सही में तो नहीं था ना हमारे सही में तो नहीं था बोले वो एक दिन नौ करता ही बोले पूरा कौन करे यार अमदावाद हाथों को लिया हूँ तो मिट्टी साथ लिया हूँ ये अभियान ने लेना हो कि ऐसे सब ने जबरदस्ती भी कर दी है हमने बोला और ये ने बड़ा करी और हम ने बोले वर्षा करो अरे ऐसे सब सुबह से लूंगे फिर रात को भी लूंगे बड़ी सुबह से लूंगे बिहारी गरीब मिलकर और लोग क्या कर रहे और तीन चार दिन से बड़ा किया सुनता था और बात करने की भी बोला नहीं थी बहुत बहुत धन्यवाद रावत सिंह जी। मूल पीड़ा आपने बता दी कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी है तो आपके ये सामने बिराजी है और दूसरी ये सामने बिराजी है वो भारतीय जनता पार्टी है। साथियों पार्टी ने कोई गलत निर्णय ले लिया, आपके सामने पंडित जिन्होंने पार्टी बनाई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि कोई पार्टी गलत निर्णय ले ले तो जनता को उस निर्णय को बदलना चाहिए, उसी कदम पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए साथियों कहता है कि सत्ता आती रहती है सत्ता जाती रहती है, लेकिन मेरे साथियों का भविष्य उज्जवल कैसे हो उसकी चिंता करने वाले हम 36 कौम के बंधु है। मैं इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा पालड़ी के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान पोपट जी से कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें। श्रीमान पोपट जी पुरोहित भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। समस्त कर्णावती नगरी के व्यापारी बंधु एवं 36 कौम के सभी व्यापारी बंधु आप सभी यहाँ पधारे उनके लिए आप सभी का तह दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे साथियों से लोक लाडले भाई जीवाराम जी पूर्व विधायक जो अभी निकले चुनाव लड़ रहे हैं उनमें आप सभी को भारी मतों से मत देकर विजय बनाना है। और मैं राजपुर समाज से भी एक निवेदन युवा साथियों से भी ये कर रहा हूँ कि जैसे कि हमने 2013 में मेहनत की थी सुखराम जी को जिताने के लिए, इससे डबल मेहनत वापस हमने भाई जीवाराम जी को जिताने के लिए यहाँ से 400 से 500 गाड़ियों का काफिला लेकर जाके भाई जीवाराम जी को भारी मतों से विजय बनाना है, यही हमारा संकल्प है। इसी के साथ धन्यवाद। जय गो माता जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान पोपट जी। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान जवाना राम जी भोपा जी पधारे और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। श्रीमान जवाना राम जी बोलो जय सर भगवान की, बोलो राजेश्वर भगवान की, बोलो क्षेत्रेश्वर भगवान की। भगवान रे प्रताप जी मतलब सब धार्मिक रणभूमिरा सब महात्मा
द्वारा प्रताप की आज समाज में एकता हुई है, काफी टाइम से हुई है सर। कांग्रेस पार्टी ने आता कृपा हुई जगदेश्वर भगवान जी और राजेश्वर भगवान जी, सीताराम भगवान जी, यह सब जाता एकता हुई है, यह एकता का प्रताप थी। और सामने जेडी उम्मीदवार और सब कार्यकर्ता उन्होंने प्रणाम करूँ और बाद में मेरी बात बताई थी कांग्रेस पार्टी तो पे हर साल थी हमारी समाज कांग्रेस पार्टी में रहता हर साल हमारी समाज और एक जाके हम जो प्यार जो तो उन्होंने आप पार्टी में मिटाई वो खुशी की बात है। वो सब बे हाथ जोड़ी मातम तुम्हारी आज में समाज की रीति को सबसे जनता ने कदू दीवा राम जी ने पूछ दिया तो अपनी इज्जत से और जो 8 अगस्त में जो कदम उठाई है तो यही दीवाराम जी ने जीती तो अपनी इज्जत रह से और मते मते बोर्ड का टुकड़ा करे तो अपनी कोई इज्जत नहीं रह सर। सब कोई भी आदमी समाज में कोई भी आदमी रिश्ते में कोई भी समाज में कोई भी कार्य करे कोई भी काम करे वह हर जीत करी है क्या तुम द्वारा इतिहास को मिटाने वालों नहीं है सर। और दीवाराम जी 1998 की 2003 में 783 में कतरी महाकाल आज का करता मुझे दुख खुद भारी तो 2003 में साहब ने जिताड़िया हुआ टाइम रे में ओपन में 5 साल 10 साल कतरी शांति मिली थी हुआ टाइम रे में 10 साल रे जनता पासी बोलो नहीं थी हुआ वास्ते सब आदम पूर्वा दुख आयो हम पासो तो दीवार हमरो साहब को इतिहास है इतिहास को मिटाने वालो नहीं है। यारे काल ने सतो ने मैं हाथ जोड़ी विनती करूं जो आज वो लीडर रात में हसर कैसे नहीं श्रीमान किरण भाई मोदी से कि वे अपनी संक्षिप्त में बात रखे। किरण भाई मोदी भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित निर्दलीय कैंडिडेट जीवाराम जी चौधरी साहब, पूर्व बीजेपी कैंडिडेट धनाराम जी चौधरी साहब, मोदी जी और सम्मानित पूरा मंच और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी प्रवासी बंधु, आप सबको मेरा प्रणाम। मित्रों, मैं प्रवासी होने के नाते प्रवासी की ही बात रखूंगा। स्थायी बात हमारे वहां से सभी बताए हुए महानुभाव अपने अपने दुख दर्द को यहाँ बताया। मैं प्रवासी के नाते प्रवासी की बात करता हूं कि कुछ साल पहले जब अपन बाहर से कहीं सांसोर में 4 रस्ते पे उतरते थे तब देखते समय टिकट लेते समय विचार करते थे कि ये गाड़ी सांसोर में कब पहुंचेगी, कब उभरेगी उसका नहीं पूछते थे, मगर 4 रस्ते पे हमको कब छोड़ेगी इसकी हम पूरी तू करके फिर हम टिकट लेते थे। उसकी वजह थी 4 रस्ते पे गुंडा कर दी, रात को आदमी को 2 बजे उतार दे, उसको घर जाना कठिन था, उसको डर था, बाहर से आया मजदूरी करके नौकरी करके कोई बिजनेस में 5-25 रुपया जेब में होता था, घर तक जाने में उसको डर लगती थी। मगर उस जगह पे हमारे जीवाराम जी छोटी साहब एमएलए बने और उसके बाद अपन निर्णय हो गए और कभी भी किसी भी वक्त रास्ते में उनको कोई डर नहीं था। इसीलिए हमारे प्रवासी बंदियों को इसी वजह से जीवाराम जी को वोट देके आगे भेजने हैं। मित्रों, हमें तो ये दुख की बात है, ये घटनाक्रम जब हमारे धनाराम जी साथी की कटी उस दिन से आज तक जो घटनाक्रम हुआ है
उसे आप सब परिचित हो, उसको कोई बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप सभी को पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर अपनी सुरक्षा, अपनी स्वच्छता और इस सब के लिए हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक दीवाराम जी चौधरी साहब को विधायक बनाकर जयपुर की विधानसभा में भेजना है। और ये आप